नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पांडे जी। दोस्तों, यदि आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एल्जेब्रा से रिलेटेड, जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने होते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स लाया हूँ जिसके माध्यम से आप जो है यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसको आप कम ही समय में लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं कि इसमें दे दिया जाता है वैल्यू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए वाई दे दिया जाता है, और इसको पूछा जाता है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, या फिर आपका दे दिया जाता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, मान लीजिए हम सपोज कर लें वाई दे दिया जाता है और आपसे पूछ दिया जाता है कि हमारी x plus 1 upon x की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, लगभग एक पेज में इसका सॉल्यूशन जाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक्स लेकर आया हूं, सारे अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे ट्रिक्स पर सॉल्व हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, हम ट्रिक्स नंबर 1 आपके लिए बता रहे हैं। ट्रिक नंबर 1 ये कहता है कि यदि आपको क्वेश्चन में दे देता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, सपोज कर दे रहे हैं कि दे देता है आपका y, और आपसे पूछ रहा है कि भैया हमको बता दो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन में चार ऑप्शन a b c d दिया रहता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यदि y दे रखा है और x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू यदि फाइंड करना है, तो ट्रिक नंबर 1 ये कहता है कि इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y क्यूब माइनस 3y, ये ट्रिक हम लगा लेंगे, y क्यूब माइनस 3y ये ट्रिक लगा लेंगे। तो इसके माध्यम से जो है हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो फिर हमको ये y वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। मैंने ट्रिक्स क्या बताया है कि y क्यूब माइनस 3y, सारे वैल्यू को पुट करिए, y यहाँ पर 2 दिया हुआ है, वैल्यू पुट करने पर हमको मिल रहा है 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ से हम करेंगे तो 2 का क्यूब जो है 8 हो जाएगा, माइनस 3 इन मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 8 में से 6 जाएगा, अब आपका हो गया 2, 8 में से 6 जाएगा आपका हो गया 2, यही जो है रिक्वायर्ड आंसर हमारा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं ये ट्रिक्स नंबर 1 यही कहता है। बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की तरफ और देखते हैं हमारा अगला ट्रिक कैसे सॉल्व होता है। पहला ट्रिक जो है ये बहुत ही आसान था, और देखिए अगला ट्रिक, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 हमारा ये पूछता है कि कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि हमको दे दिया है क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू सपोज कर लिया हमने दे दिया है वाई, और हमसे पूछ रहा है कि आप बता दो x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 की वैल्यू हमारी कितनी होगी। आंसर में हमारे पास चार ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले एक बात आप याद रखिए कि इसकी जस्ट पहले वाले में मैंने क्या बताया है आपको कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, यदि y रहता है, तो क्यूब वाले का हमने ये आंसर बताया है कि y क्यूब माइनस 3y से हमने इसका आंसर निकाला है। ठीक, मान लीजिए हम सपोज कर लिए कि जस्ट x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो मैंने एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले से निकाल ली, और हमने यह मान लिया कि उसका आंसर आया z। तो हमें x टू द पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 6 की यदि हमको वैल्यू निकालनी है, सिंपली क्या करेंगे, इसी z का हमको स्क्वायर कर देना है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन इस पर कैसे सॉल्व होता है। एक बार बस ये क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यदि आपका 3 दिया हुआ है, तब देखिए हमारा क्या निकलता है, x टू द पावर 6 प्लस वन अपॉन x टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी। तब देखिए हमने क्या कहा कि पिछली जो हमने वैल्यू निकाली थी x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू, वो इस फॉर्मूले से निकाली थी, तो हमने इस फॉर्मूले को लगा करके वो वैल्यू फिर से हमको फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हम y वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है तो माइनस है, तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसकी कितनी वैल्यू आ रही थी, 3 3 जा हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3,
3 3 9 3 27 और 27 में से 9 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 18। अब हम क्या कहे हैं, जो भी हमारा आंसर जेड आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो इसी 18 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 324, जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये ट्रिक नंबर टू यही कहता है कि यदि x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू वाई हो तो यदि हमको फाइंड आउट करना है x टू द पावर 6 प्लस वन अपॉन x टू द पावर 6 की वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले क्यूब वाले फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल लेंगे और उसी आंसर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तब जो है हमारा कंप्लीट आंसर 324 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने ट्रिक नंबर थ्री की तरफ। ट्रिक नंबर थ्री हमारा ये कहता है कि यही यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे अगर कभी कभी दे देता है कि यदि मान लीजिए x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू क्या दे दिया, y दे दिया। अब हमको पूछ रहा है ये कि भाई हमको ये बता दीजिए कि x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारी जो इसका ट्रिक है उसका हो जाता है y क्यूब प्लस 3y। ये यहाँ पर पिछली जो यहाँ पर यदि प्लस रहता था तो यहाँ पर माइनस हो जाता था, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए वाई क्यूब प्लस 3y इसका ट्रिक हो जाएगा। अब हम इस पर यदि क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि मान लिए कि x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू हमारा 2 दे रखा है। अब हमको सॉल्व करना है कि x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो हमको ट्रिक मालूम है वाई क्यूब प्लस 3y, तो y के जगह पर हम 2 पुटअप कर देंगे, 2 पुटअप कर रहे हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा 2। तो अभी हम ये देखते हैं कि 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 को हम रिक्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। यही हमारा ट्रिक नंबर थ्री कहता है कि x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू वाई है तो हमारा x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक, तो इसके लिए हम y क्यूब प्लस 3y लगा करके हम इसको सॉल्व किए तो x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये 2 रखा और x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड की, तो 2 टू द पावर क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टू द पावर क्यूब को सॉल्व किया तो 8 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 6 आ जाएगा, आंसर हमारा 14 आ गया। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो कि ट्रिक से आते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।